हेलो बच्चों, वेलकम टू मास्टर क्लास। हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसमें वी वर स्टडिंग अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में वी हैव स्टडीड अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर द सेम, यानी कि वो डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को सपोर्ट करती हैं और वो जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करती हैं। उसमें हमने जो क्रॉस पॉलिनेशन है, वी हैव स्टडीड डिफरेंट एजेंट्स या एजेंसीज बाय विच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। तो वो एबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। एबायोटिक में हमने क्या पढ़ा था? इफ यू रिमेम्बर, वी स्टडीड अबाउट द वाटर एंड विंड पॉलिनेशन, और इनको हम बोलते थे हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली। उसके बाद बायोटिक में एजेंसीज में इंसेक्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो क्या था? बी, जिससे कि 80% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है। और जो पॉलिनेटर्स हैं वो स्पेसिफिक भी होते हैं फ्लावर्स में, और इंसेक्ट पॉलिनेटर ना सिर्फ नेक्टर के लिए, वाइन वो एग ले करने के लिए और अलग अलग रीजन से भी विजिट करते हैं। और द पॉलिनेशन जो प्रेजेंट है इनमें, और जो पॉलिनेटर और फ्लावर की रिलेशनशिप है, वो को इवॉल्व हुई है, और जो इनके ब्रीडिंग टाइम्स हैं वो को इंसाइड करते हैं, या फिर इनका जो आहार है वो उस पर्टिकुलर फ्लावर पे निर्भर करता है। तो दीज आर अडेप्टेड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। अब जो बायोटिक एजेंसीज हैं अपार्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स, अदर ऑल्सो आर देयर। उसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वंस विच आर पॉलिनेटेड बाई द बर्ड्स। बर्ड पॉलिनेटेड या बर्ड पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ऑर्निथोफिली। और ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे हैव लॉट ऑफ नेक्टर प्रेजेंट इन देम, दे हैव नो फ्रेगरेंस एंड दे हैव दिस फनल शेप स्ट्रक्चर। तो इसमें बड़ा सारा रस होगा, नेक्टर होगा, फनल शेप होगा, जिससे कि ये जो विजिटर यहाँ पर इसको पॉलिनेट करने आ रहा है, यानी कि बर्ड, उसकी जो बीक है, जो स्मॉल बर्ड है, उसकी जो बीक है स्ट्रॉ लाइक, कैन इजिली गेट द नेक्टर एंड द फ्लावर शुड नॉट बी ब्रोकन, टूटे भी ना हो। तो इसलिए ये जो फ्लावर्स हैं इनके स्पेसिफिक शेप भी होते हैं, और ज्यादातर ये पाया गया कि वो लाल रंग के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फ्लावर्स हैं विच आर पॉलिनेटेड बाय दीज बर्ड्स एंड व्हाट आर दीज बर्ड्स। ये बर्ड्स मोस्टली हमिंग बर्ड्स हैं विच आर वेरी स्मॉल, एंड सन बर्ड्स भी होती हैं विच आर स्टिल वेरी वेरी स्मॉल। और जो प्लांट्स हैं, दीज प्लांट्स एंड द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। तो उसमें ये कॉमन प्लांट जो हमारे आसपास भी दिखाई देता है, दैट इज सिल्क कॉटन ट्री। इसके जो फूल हैं ये कुछ दिन बाद या काफी गिरते हैं। तो सिल्क कॉटन ट्री, या फिर इट इज नोन एज बॉम्बैक्स। उसके अलावा वी हैव अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, विच इज कैलिस्टमॉन, जो कि बॉटल ब्रश जैसा दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉटल ब्रश। तो बॉटल ब्रश, दिस इज ऑल्सो पॉलिनेटेड बाई बर्ड्स। ये वाला जो है, दिस इज नोन एज क्रेन फ्लावर, इसको स्टेरिलिट्जिया भी कहते हैं। ये एक्सॉटिक है, इंडिया में नहीं पाया जाता है, मोस्टली साउथ अफ्रीका में मिलता है। एंड दिस इज नोन एज स्टेरिलिट्जिया, दिस इज ऑल्सो पॉलिनेटेड बाई बर्ड्स। उसके बाद है एराइथ्रिना। एराइथ्रिना इज द रेड कोरल ट्री, एंड दिस रेड कोरल ट्री इज पॉलिनेटेड बाई बर्ड्स। सो ये जो ब्राइटली कलर्ड हैं, दे हैव बिगर फ्लावर्स, दे हैव द ह्यूज नेक्टर प्रेजेंट, दे आर ओडरलेस, एंड दीज आर मेंट टू बी पॉलिनेटेड बाई बर्ड्स। उसके बाद बर्ड्स के अलावा देयर आर अदर फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल देम एज बैट्स। एंड बैट्स जो फ्लावर्स पॉलिनेट करते हैं, दे ब्लूम एट नाइट, ऑब्वियसली क्योंकि ये नॉक्टर्नल है। तो पॉलिनेटर का जो टाइम है, उसी टाइम पे दिस फ्लावर्स ब्लूम। तो अब ये जो फ्लावर्स हैं, इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए बच्चों? क्या क्या होना चाहिए जो पॉलिनेटर इसमें अट्रैक्ट हो? क्यों आएगा? फॉर अ रिवॉर्ड, एंड दैट रिवॉर्ड इज वॉट? नेक्टर। तो दे मस्ट हैव लॉट ऑफ नेक्टर।
बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड होने की इनको जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पॉलिनेटर्स यानी कि बैट को दिखाई नहीं देता है, तो दे आर मोस्टली डल कलर्ड बट दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओडर्स विच वी मोस्टली डोंट लाइक। इस तरीके की जो ओडर्स हैं उससे द बैट गेट्स टू नो वेयर द नेक्टर इज। सो दीज बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और वी कॉल देम एज काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स, या पॉलिनेशन बाय बैट को क्या बोलते हैं, काइरेप्टेरोफिली। तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कि जो कौन से प्लांट्स हैं जो बैट पॉलिनेट करता है फ्लावर्स, तो एक बड़ा कॉमन सा है जिसे हम बोलते हैं एंथोसेफेलस, एंड एंथोसेफेलस को क्या बोलते हैं कॉमनली, कदम। देन देयर इज दिस ट्री विच इज नोन एज काइगेला, एंड काइगेला इज ऑल्सो कॉल्ड सॉसेज ट्री। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सॉसेज जैसे इसमें से ये हैंग कर रहे हैं इसके फ्रूट, इसके ही वजह से इसका नाम पड़ा है सॉसेज ट्री। एडेंसोनिया कॉमन नहीं है, बाहर मिलता है ये, इंडिया में उतना कॉमन नहीं है, एंड दिस ऑल्सो इज पॉलिनेटेड बाई बैट्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाओबाब ट्री। सो ऑर्निथोफिलस एंड काइरेप्टेरोफिलस। नाउ वी गो टू दोज विच आर पॉलिनेटेड बाई द मोलस्क, और मोलस्क पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, मैलेकोफिली। तो इनके कुछ खास ऐसे अडेप्टेशंस तो नहीं है, बट हाँ एक चीज जो इनमें कॉमन है वो है कि दे आर ऑल एक्वेटिक। तो इसमें वी हैव एरम एज एन एग्जाम्पल विच इज प्रेजेंट, लेमना पॉलिनेटेड बाई स्नेल्स, और दिस इज एलिजेमिया। तो ये सब पॉलिनेट होते हैं। देर आर सर्टन वाटर लिलीज ऑल्सो, वो भी वाया स्नेल्स पॉलिनेट हो सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्टैगनेंट वाटर। और पॉलिनेशन बाई स्नेक इज द नेक्स्ट, इसमें हम क्या बोलते हैं ओफियोफिली, ऑल्दो इट इज रेयर बट इट इज प्रेजेंट। तो इसमें जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है दैट इज सेंटलम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चंदन, एंड माइकेलिया। कुछ ट्री स्नेक्स हैं, प्लांट स्नेक्स हैं जो कि काफी छोटे होते हैं, बट दे इनहेबिट एंड दे लिव फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, एंड इन दैट प्रोसेस दे पॉलिनेट। सो पॉलिनेशन बाय स्नेक्स वी कॉल इट एज ओफियोफिली। देन देर आर लीमर्स एंड लिजर्ड्स, दे ऑल्सो पॉलिनेट सर्टेन फ्लावर्स, एंड दे कैन बी लीमर्स जो कि छोटे से प्राइमेट्स हैं वो हो सकते हैं, या फिर देयर कैन बी लिजर्ड्स हु कैन पॉलिनेट, स्पेशली ये जो फ्लैक्स है इसको लिजर्ड पॉलिनेट कर सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट पॉलिनेटर्स लिविंग बायोटिक जो कि पॉलिनेशन करते हैं। तो अब क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू ए बायोटिक एंड बायोटिक एजेंसीज, किसी भी तरीके से ये जो पॉलन ग्रेन है बहुत ही जतन करके बड़ी डिफिकल्टी से कई सारी चीजों को पार करके कहाँ पहुंचा है, स्टिग्मा पे। बट रीचिंग टू द स्टिग्मा डज नॉट गारंटी दैट दिस पॉलन ट्यूब विल जर्मिनेट एंड द पॉलन ट्यूब विल फॉर्म। यानी कि पॉलन ग्रेन का सिर्फ स्टिग्मा पे पहुंचना ही काफी नहीं है टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब। तो उसके पीछे और क्या क्या रीजंस हैं, या क्या होना चाहिए कि जो पॉलन ग्रेन पहुंचा है वो सही है, उसी सेम स्पीशीज का है, अगर वो क्रॉस पॉलिनेटेड है तो सेल्फ का नहीं है, और अगर, तो ये सारी चीजें क्या डिटरमिन करवाएगा, वो जो डायलॉगिंग है ऑब्वियसली बोलना नहीं, बट केमिकल्स और सरफेस प्रोटीन्स जो कि कंपैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी डिसाइड करती हैं, दैट ऑल इज द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो नाउ व्हेन द पॉलन ग्रेन हैज रीच्ड टू स्टिग्मा, नाउ देयर इज दिस डायलॉगिंग और दिस केमिकल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टिग्मा एंड द पॉलन स्टार्ट्स, यानी कि पहचानना बेस्ड ऑन द सरफेस प्रोटीन, बेस्ड ऑन द केमिकल, ये स्टार्ट हो जाता है। एंड इफ द पॉलन ग्रेन इज फाउंड टू बी ऑफ सेम स्पीशीज, नॉट द सेल्फ पॉलिनेटिंग और द वन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, अगर ऐसा नहीं होता है देन दिस पॉलन ग्रेन विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। पॉलन ग्रेन अगर ये सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है, कौन कौन सी कंडीशन, की कंपैटिबिलिटी प्रोटीन जो है वो, या केमिकल कॉम्पोजिशन,
तब स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट कर सकता है और एक्सेप्टेबल है। तो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है आफ्टर दैट व्हेन इट जर्मिनेट्स एंड बिफोर दैट, एक आपको मैं थोड़ा और याद दिला दूं कि हमने जब पॉलन ग्रेन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि उस पॉलन ग्रेन में क्या क्या प्रेजेंट था बाहर की तरफ। देयर वॉज दिस पर्टिकुलर टफ प्रोटीन, नॉट प्रोटीन एग्जैक्टली बट द सब्सटेंस दैट वॉज स्पोरोपोलेनिन, और ये क्या था बाहर वाला, एक्जाइन, अगर आपको याद है पिछले लेक्चर से। और ये वाला जो है वो क्या है, एंटाइन। और एंटाइन कैसी थी, फ्लेक्सिबल, और किसकी बनी हुई थी वो, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और यही वो लेयर है जो कि पॉलन ट्यूब बनाती है, कौन सी, एंटाइन। और जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आती है दैट इज नोन एज द जर्म पोर। तो व्हेन दिस जर्मिनेशन टेक प्लेस, अब पॉलन ट्यूब में अगर वो टू सेल पॉलन ग्रेन है तो वो जनरेटिव सेल डिवाइड होगा और दो मेल गैमेट्स बनेंगे। अगर वो थ्री सेल ऑलरेडी है तो देयर इज नो डिविजन और ऑलरेडी मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। अब इसमें जो एंट्री है पॉलन ट्यूब की वो स्टार्ट होगी, इट इज ऑन स्टिग्मा जर्मिनेटिंग, एंटरिंग इन टू द स्टाइल, रीचिंग टू द ओवरी, और ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स, एंड देन इट एंटर्स इन टू द ओव्यूल। तो ये जो ग्रोथ है इसे हम केमोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि जो ये सिनर्जिड्स हैं ये केमिकल कंटिन्यूअसली रिलीज करते रहते हैं जिसके इफेक्ट में एक तो पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन मिलता है और दूसरा वो ग्रो भी करती है। तो जब ओव्यूल में एंट्री की बात आती है तो जो पॉलन ग्रेन है वो तीन तरीके से एंट्री कर सकती है। या तो वो माइक्रोपाइल से एंट्री कर जाती है, देन इट इज नोन एज स्पोरोगेमी जो कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है, या फिर वो हो सकता है माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो है यानी कि चैलेजा, उसके थ्रू एंट्री कर सकती है, ये वाला जो पार्ट है उसके थ्रू एंट्री कर सकती है तब चैलेजोगेमी, या फिर वो इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंट्री कर सकती है और दैट इज नोन एज मीजोगेमी, राइट। सो इन तीन तरीके से ये ओव्यूल के अंदर एंट्री कर सकती है, लेकिन कैच पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो एंट्री है दैट इज ओनली इनटू द ओव्यूल बट नॉट इनटू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में इट विल नॉट एंटर फ्रॉम एनीवेयर, इट विल ओनली एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले, पोरोगेमी और चैलेजोगेमी, मीजोगेमी। तो अगर पोरोगेमी आपसे पूछा जाए तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोपाइल के थ्रू ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करती है। चैलेजोगेमी यानी कि वाया चैलेजा, और इसमें एग्जाम्पल क्या है, कैजुअरिना। मीजोगेमी में एंट्री किसके थ्रू होती है, द एंट्री इज वाया इंटेग्यूमेंट, एंड एग्जाम्पल इसका क्या है, यस द मीजोगेमी कैन बी सीन इन कुकुरबिटा। ओके, सो ये अलग अलग तरीके हैं बाय विच द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल एंड नॉट इनटू द एम्ब्रियो सैक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक इज ओनली थ्रू द माइक्रोपाइल। सो एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक इज इनवेरिएबली थ्रू, यानी कि जरूरी यही है कि ये किसके थ्रू एंट्री करे, इनवेरिएबली थ्रू माइक्रोपाइल, एंड वी कॉल इट एज पोरोगेमी। यानी एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब सिर्फ माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री करेगी एंड दैट इज नोन एज पोरोगेमी। होप द डिफरेंस इज क्लियर। सो देन वी कम टू व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे क्या होगा, पोलन ट्यूब जब एंट्री कर जाएगी तो एक पर्टिकुलर स्टिग्मा पे कई सारे पोलन ग्रेन हो सकते हैं और पोलन ट्यूब भी एक से ज्यादा हो सकती हैं, और इनकी एंट्री भी एम्ब्रियो सैक में हो सकती है क्योंकि ओव्यूल्स भी ज्यादा हैं।
तो अब देखते हैं हो क्या रहा है। तो ये आपका एग एपरेटस है जिसमें कि सिनर्जिड प्रेजेंट है दो, जिसमें कि यहाँ पे हम फिलीफॉर्म एपरेटस बना सकते हैं जो कि एंट्री करवाने में मदद करता है पॉलन ट्यूब की, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है एग सेल एंड द सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट हियर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है वो बर्स्ट करेगी टू रिलीज द मेल गैमेट। तो अगर वो एग सेल में बर्स्ट करती है तो एग सेल डैमेज हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए कि एक्सेल का डैमेज ना हो, इट एंटर्स थ्रू अ सिनर्जिड, किसी दो सिनर्जिड में से किसी एक के थ्रू ये एंट्री लेगी और उस दौरान इट बर्स्ट इनटू द सिनर्जिड। और जिस सिनर्जिड में ये बर्स्ट होगी टू रिलीज द मेल गैमेट्स व्हिच आर नॉन मोटाइल, वो जो सिनर्जिड है विल गेट बी डीजेनरेट हो जाएगा, वो सिनर्जिड उसका बलिदान हो जाएगा, यानी कि वो अब डीजेनरेट हो जाएगा और दूसरा वाला इंटैक्ट रहेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सो सिनर्जिड के क्या क्या मेन फंक्शंस हो गए, पहला तो ये केमिकल रिलीज करता है, केमोट्रॉपिक ग्रोथ में हेल्प कर रहा है पॉलन ट्यूब की। सेकेंड हो गया कि इट ऑल्सो हेल्प एंट्री इन टू द एम्ब्रियो सैक बाई फिजिकल मेथड लाइक फिलीफॉर्म एपरेटस। और थर्ड है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेस टू पॉलन ट्यूब वेयर इट कैन बर्स्ट एंड रिलीज द मेल गैमेट सो दैट द एग सेल इज नॉट डैमेज। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह जहाँ पे पॉलन ट्यूब एंट्री करे, मेल गैमेट्स को रिलीज करे बर्स्ट करके और एग सेल को कोई डैमेज ना हो। तो आफ्टर दैट व्हेन इट एंटर्स देन व्हाट हैपेंस, उससे पहले ऑल्सो देर इज वन मेथड जिसमें कि लेबोरेटरी में देयर कैन बी दिस जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इन टू पॉलन ट्यूब, और इस मेथड को बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड ऑफ पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड। तो स्लाइड में अगर आपको पॉलन जर्मिनेट करवाना है तो क्या क्या चाहिए होगा, 10% क्या चाहिए ग्लूकोज सॉल्यूशन और साथ में आपको चाहिए बोरॉन, तो वो बोरिक एसिड के फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि बोरॉन जो है इम्पोर्टेंट होता है पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए, और सपोर्टिंग सप्लीमेंट कर सकते हैं आयरन से। तो ये सब लेकर के कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन को स्लाइड में जर्मिनेट करवाया जाता है लैब में, और ये एक स्लाइड यहाँ पे बनी हुई है जिसमें कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहीं कहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं पे पॉलन ट्यूब बन चुकी है, कहीं पे पॉलन ट्यूब बन चुकी है, और यहाँ पे टिप पे मेल गैमेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब स्लाइड में बनाया जा सकता है, और उसके लिए जो आपको याद रखने हैं प्लांट्स के नाम वो क्या क्या हैं, यू हैव टू रिमेम्बर क्रोटोलेरिया, विंका, बाल्सम, पी का वही कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन वाला, राइट, एंड चिक पी, सेम टाइप ऑफ फ्लावर। इनके पॉलन ग्रेन को बड़ी इजीली से स्लाइड के ऊपर जर्मिनेट करवाया जा सकता है। तो अब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया, पॉलन ट्यूब भी पहुंच गई, नाउ व्हाट नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन में ये जो दो मेल गैमेट्स हैं ये अब फर्टिलाइज करेंगे, एक विद द ओसाइट टू फॉर्म द जाइगोट और दूसरा करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। सो अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल, द होल प्रोसेस इज डबल फर्टिलाइजेशन, और ये वाला प्रोसेस क्या है, ट्रिपल फ्यूजन, ओके, एंड दिस विल फॉर्म द एंडोस्पर्म एंड दैट इज 3N। और ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोलेंगे हम, सिंगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है विल फॉर्म एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है और ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में जो फ्यूजन है उससे जाइगोट बनता है। सो इन दैट वे दिस डबल फर्टिलाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड एंड मेल गैमेट प्लस एग विल फॉर्म जाइगोट व्हिच विल बी 2N एंड दिस इज व्हाट, सिंगैमी।
एंड द नेक्स्ट वन इज दैट द मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस. नाउ व्हाट इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस? सेकेंडरी न्यूक्लियस बहुत थोड़ी देर के लिए जो पोलर न्यूक्लियाई हैं थे वो फ्यूज हो जाते हैं जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, और थोड़ी देर के लिए ही काफी टेम्प्ररी ये टू एंड रहता है, और उसके बाद तुरंत क्या बन जाएगा? पेन, और वी कॉल इट एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज 3N एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन नवाश्चिन ने बताया था, और ये जो प्रोसेस है कि दो गैमेट्स होते हैं एंड दीज टू मेल गैमेट्स एंटर, ये वाला जो प्रोसेस है वो बताया था स्ट्रास बर्गर, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन. तो ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें दो हैं प्रोसेस, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, एंड बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, एक एम्ब्रियो और दूसरा उसका न्यूट्रिशन. तो जो ये एंडोस्पर्म है जो बनता है एंड दैट फॉर्म्स द फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो अगर आपसे पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट है, तो टू तो मेल गैमेट्स हैं, राइट, एंड थ्री यानी कि टू पोलर न्यूक्लियाई अगर हम ले लें और एक फीमेल गैमेट, दैट काउंट्स टू 3. तो टोटल जो न्यूक्लियाई यहाँ इन्वॉल्व हैं वो है 5. 5 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन? एट वंस एम्ब्रियो नहीं बनना शुरू हो जाता है. सबसे पहले जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एंडोस्पर्म अगर पूछा जाए तो कब बनता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन. बट अगर ऐसा होता है कि व्हाट डज दैट एंडोस्पर्म लेटर ऑन, और एम्ब्रियो के बनने से जस्ट पहले, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले एंड फर्टिलाइजेशन के बाद दिस एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एंड दिस इज पेन, जो कि डिवाइड होके धीरे धीरे क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. तो जो डिवीजन है ये डिवीजन अलग अलग तरह से हो सकती है. तो वो अलग अलग तरह से क्या है कि हो सकता है कि जैसे ही कैरियोकाइनेसिस द न्यूक्लियर डिवीजन हो वैसे ही सेल वॉल ले डाउन हो जाती है और साइटोकाइनेसिस हो जाती है एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपके कोकोनट की मलाई, यानी कि कोपरा ऑफ कोकोनट, एंड यूट्रिक्युलेरिया दैट इज ब्लैडर वर्ट, एंड पेट्यूनिया, राइट. तो आप ये तीनों एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं कप से. उसके बाद दूसरे में जिसमें कि हमने लिखा हुआ है कोकोनट मिल्क, वो वाला जो एंडोस्पर्म है उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, बहुत लास्ट में होती है और काफी टाइम तक वो फ्री न्यूक्लियर रहता है, एंड दैट इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. एंड दिस एंडोस्पर्म लिक्विड जो फॉर्म होता है ना, जो आप पानी पीते हैं नारियल का, कोकोनट मिल्क जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. कुछ मोनोकॉट्स के ऑर्डर हैं, स्पेशली द हेलोबियल्स ऑर्डर, जिसमें कि दोनों तरीके के एंडोस्पर्म मिलते हैं, कुछ सेल्यूलर होता है उसमें पार्ट और कुछ न्यूक्लियर. सो दैट कम अंडर हेलोबियल्स. एंडोस्पर्म में देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन व्हाट फूड दे स्टोर, यानी कि स्टोर क्या करते हैं वो अपने अंदर, किस तरह का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं एम्ब्रियो को, उसके हिसाब से भी दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज एंडोस्पर्म? सो देयर कैन बी स्टार्ची एंडोस्पर्म, जिसका मतलब क्या है कि उसमें ज्यादातर जो फूड स्टोर होगा वो क्या होगा? स्टार्च. तो स्टार्ची एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वीट
राइस। प्रोटीनिशियस हम देख सकते हैं एल्यूरॉन लेयर में, एल्यूरॉन लेयर आउटर लेयर है मेज में, राइट। और एल्यूरॉन लेयर भी एंडोस्पर्म का ही पार्ट होता है, लेकिन प्रोटीन कैरिंग होता है, प्रोटीन स्टोर करता है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड। ऑयली एंडोस्पर्म में वी हैव कोकोनट एंड ऑल्सो वी हैव कैस्टर। देन सेल्यूलोजिक एंडोस्पर्म देयर इज आइवरी पाम एंड हेमी सेल्यूलोजिक इज डेट पाम। तो ये तो था कि इसमें क्या स्टोर है, जो पहले पढ़ा था वो था कैसी डिवीजन हो रही है। और एक थोड़ा अलग सा एंडोस्पर्म है जो कि चबाया हुआ सा अनइवन सरफेस वाला होता है, एंड दैट इज कॉल्ड रूमिनेट एंडोस्पर्म, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये क्या है, सुपारी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अरेका नट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। कितने भी टाइप हो, कैसे भी बना हो, लेकिन इसका यूज एक ही है कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। तो इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड फॉर्म्स जस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल। तो आई होप आप यहाँ तक सब रिवाइज करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं फिर से और प्रोसेसेस हैं उनको फिर से, एंड उसके हिसाब से क्वेश्चंस लगाएंगे। तो वी विल ऑल्सो बी प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस मे बी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड देन आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग विद इज द एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लास। टिल देन प्लीज रिवाइज, ठीक से पढ़ाई करिए, खूब सेल्फ स्टडी करिए। ऑल द बेस्ट।